लीजिए, आज मैं आप सभी के साथ झटपट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके आगे चिकन पनीर सब भूल जाएंगे। इतना टेस्टी ये पत्ता गोभी की रेसिपी आपकी बनेगी। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। हमें यहाँ पे कैबेज लेना है, पत्ता गोभी को दोस्तों बंद गोभी भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? अगर कोई और नाम से जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो एक पूरा पत्ता गोभी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो एक पैन में हमें पानी लेना है, तो पानी मैंने यहाँ पे गुनगुना लिया है। जब भी आप पत्ता गोभी या फूल गोभी की कोई भी रेसिपी बनाए ना, तो गुनगुने पानी में उसे वॉश ज़रूर करें। इससे उसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं या फिर कोई स्मेल होता है ना, तो वो निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी को पहले ही गुनगुना कर ली थी। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पत्ता गोभी को डालना है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े करके इसे डाल ले रही हूँ। उसके बाद हमें इसे उलट पुलट करके इस पानी के साथ अच्छी तरह से डिप करके और वॉश कर लेना है। इसे किसी भी स्टेनर में छान लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है ना अच्छी तरह से निकल जाए। सेम प्रोसेस हमें करने हैं पूरे पत्ता गोभी को वॉश करने के लिए। आप यहाँ पे पत्ता गोभी को गर्म पानी में यानी कि गुनगुने पानी में डालकर बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे। बस हमें इसे डालना है और निकालना है, वॉश करना है। तो मैं इसे उलट पुलट कर ले रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये इस पानी के अंदर डिप हो जाए और अच्छे से ये वॉश हो जाए, और जो भी इसमें स्मेल वगैरह या कीड़े वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल पानी से भी, इसके गर्म पानी से निकालने के बाद नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। तो चलिए सेम प्रोसेस से मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करके ले आती हूँ सारे पत्ता गोभी को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे पत्ता गोभी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, देख रहे हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा एक बार। तो मैं यहाँ पे एक पैन ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है 1 से 2 चम्मच तेल। उसके बाद आधा चम्मच हमें जीरा डालना है, क्यूमिन सीड, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे सरसों के दाने डाल रही हूँ, मस्टर्ड सीड्स। आप चाहें तो पीली वाली राई ले लें या फिर काले वाले सरसों के दाने भी ले सकते हैं। 5 से 7 लहसुन की कलियाँ लेनी है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिया है, और प्याज को बिल्कुल पतला पतला चॉप कीजिएगा और मसल कर हाथों से उसके लच्छे को हमें अलग कर लेना है। कुछ इस तरह से देखिए, बिल्कुल पतला पतला मैंने प्याज को कट किया है और हाथों से मसल कर इसके लच्छे को मैंने अलग कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे प्याज को सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं बिना टमाटर के ही इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मटर डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप मटर का इस्तेमाल की हूँ, फ्रेश मटर मैंने लिया है, और इसे भी इस प्याज के साथ डाल देना है। और मटर और प्याज इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है। आप चाहे तो इसे कवर करके भी पका सकते हैं, कवर कर दें 2 मिनट के लिए, इससे मटर और प्याज भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो पर मैं यहाँ पे बिना कवर किए हुए इसे पका रही हूँ। थोड़ा सा हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालना है, और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे मीट मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो 1 चम्मच इस रेसिपी में मीट मसाला अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास मीट मसाला ना हो तो कोई बात नहीं है, आप किचन किंग मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद हमें भून लेना है 2 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे पत्ता गोभी को डाल दे रही हूँ। तो मैं 1 बैग पूरी पत्ता गोभी को नहीं डालूंगी। अगर आपका पैन ज़्यादा बड़ा हो तो आप 1 बैग पूरी पत्ता गोभी को डाल सकते हैं, पर हमारे पैन थोड़े से छोटे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसे गलने देती हूँ। जैसे ही ये गल जाएंगे उसके बाद बचे हुए पत्ता गोभी को भी हमें इसी स्टेज पर डाल देना है। देखिए, और देखिए इस तरह से हमें इस पत्ता गोभी की रेसिपी को बना लेना है। आप सफ़र के दौरान भी इस सब्जी को बनाकर ले जा सकते हैं, और पूरी पराठे के साथ इसे खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये रेसिपी। एक बार मेरे इस आसान तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब मैं इसे कवर कर दी हूँ। कवर करके 3 मिनट के लिए हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपने आप ही सारा पानी रिलीज़ करने लगता है और उसके बाद ये पकते पकते बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इस सब्जी को बनाते समय पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप चाहे तो यहाँ पे आलू भी डाल सकते हैं, मटर, आलू और पत्ता गोभी भी मिक्स करके आप बना सकते हैं, पर पानी का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल मत कीजिएगा।
सूखा ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए इसके पानी जो है ना वो सूख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को हाई कर ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे कटे हुए थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देने हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए कम तेल और कम मसाले में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हमें फटाफट से सर्व कर लेना है। तो एक प्लेट मैंने ले लिया है और अब मैं इसमें सर्व कर ले रही हूँ। देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखने से ही ये जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाएगी। और फ्रेंड ग्रुप्स में इस रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान टेस्टी और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।